सारी जगह डॉक्यूमेंट ढूंढ ले हैं यार, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है सर के। और ये राइड मुझे लग रहा है होगी नहीं, कैंसिल हो जाएगी राइड। सारे डॉक्यूमेंट्स हर जगह चेक कर ले हैं यार, इनकी ना आरसी है, ना इनके पास इंश्योरेंस है, ना कुछ है, इनके जितने भी कार्ड से सब गायब है। शिट यार, प्रॉब्लम हो गई। और अभी हम खड़े हैं बॉर्डर पे, जाएं कैसे आगे, सारे डॉक्यूमेंट्स ही गायब हो गए हैं। क्योंकि ये राइड कैंसिल होने का मतलब एक ही कंट्री करा और वापस जाना, इतना एक्सपेंस, इतना खर्चा करने के बाद किसी की भी हालत खराब हो जाएगी यार। वापस भी नहीं जा सकते क्या? वापस भी नहीं जा सकते। क्यों? आपकी बाइक कैसे शिप होगी वापस? कैसे होगी मतलब? कैसे शिप होगी बिना आरसी के? तो ये देखो आरसी। थैंक यू सो मच मैम। सो चलो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि अपना ब्रेकफास्ट में आज क्या है। ये है बन, ये है हार्ड ब्रेड, ये रस टाइप है, ये भी ब्रेड टाइप ही है समझो इसको। यहाँ पर एक केक लग रहा है मुझे, और यहाँ पर हनी या फिर जैम या सॉस है, सारी चीज़ें। यहाँ पर है ये ब्राउन केले, देखना कैसे केले हैं ये, ब्राउन केले हैं वाले। साथ में एप्पल है और ऑरेंज, एग्स हैं यहाँ पर, कर्ड है और कॉर्नफ्लेक्स भी है इधर, और जो हमारे खाने का मतलब का नहीं है वो भी है यहाँ पर। मीट, सुबह सुबह यहाँ पर लोग मीट भी खाते हैं तो, और यहाँ पर है चीज़, तो ये सारा चीज़ें। तो बस अपने लिए खाना लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। आज एक नया दिन और एक नई शुरुआत हो चुकी है अपने इंटरनेशनल ट्रिप की, जिसमें मैं 25 देश, 120 से 140 दिन और लगभग 25 से 30,000 किलोमीटर कवर करने वाला हूँ अपनी मोटरसाइकिल पे। और अभी एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ तो मैं हूँ इस समय जगोरी में। जगोरी एक हिल स्टेशन है और इतना खूबसूरत हिल स्टेशन है, ग्रीस में पड़ता है। और हमारा एक्चुअली प्लान था कि हम जगोरी को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, और यहाँ पर लगभग पड़ते हैं 25 गांव हैं यहाँ पर। और अभी हम खाली एक ही गांव में आए हैं। हवा आपको बहुत तेज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था कल से। तो कल रात को हम इसी प्रॉपर्टी में आ गए थे और बहुत अच्छा स्टे रहा था हमारा। आज का हमारा प्लान ये है कि आज हम यहाँ से जा रहे हैं अल्बेनिया के रास्ते में। अब हमारी सेकंड कंट्री जो होने वाली है उसमें हम एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं। आज हम पहुंचेंगे वो मैं श्योर नहीं हूँ, शायद हम कल एंट्री लेंगे, शायद आज लेंगे, वो कंफर्म करेंगे मौसम के हिसाब से। तो चलो आज का सफर स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत। राइट साइड अंकित, माता रानी सही सलामत। आज भी मुझे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाना, देखो सर लेफ्ट साइड राइट आ गए, ये रोज का होता है हमारा। अभी मैंने आपको जैसे बताया ना कि हम जा रहे हैं अल्बेनिया, अल्बेनिया से पहले एक जगह पड़ती है, वो डिटोर लेना है विकॉस जॉर्ज। वो कुछ नहीं है, शायद एक माउंटेन पास है। तो जब मैं आइटनरी पे वर्क कर रहा था तो मैंने देखा था कि काफ़ी बाइकर्स उस रूट पे जाते हैं, तो अभी डाला तो हमने मैप में, वो रास्ता अलग जा रहा है। और जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है उसके लिए हमें फिर वापस आना पड़ेगा, बस एक चक्कर शायद काट के आएंगे, मुझे आइडिया नहीं है विकॉस जॉर्ज के बारे में, पर सुना है कि बाइकर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वहाँ पर। कल तो बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब हो गया था, जैसे हम होटल में पहुँचे इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश कि अगर लोग यहाँ थे भी ना तो भी बाहर नहीं निकले होंगे देखने के लिए और घूमने के लिए इनफैक्ट, और हम भी कुछ नहीं कर पाए, हम भी रूम में ही पड़े रह गए। अगर मुझे सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है राइड के वक्त तो वह बारिश। From India? Yeah. Quite a long way to go. Yeah. Quite a long way. Okay. From Denmark. Okay, you're from Denmark. Yeah. Okay. Yeah, to come out. Hi. Okay. Thank you so be much. Careful. Careful. Thank you. Thank you. तो कितने सारे यहाँ पर टूरिस्ट आ गए इस ब्रिज को देखने के लिए। And are you going north? Yes, North Macedonia, Croatia, Hungary, Romania, Serbia, then Bulgaria, Turkey, Georgia, Armenia, Iran. Ah, one speck. You are not alone. You have a friend. Yeah, one of my friend is with us. Thank you. Thank you very much.
and have a nice cruise. Thank you so much, ma'am. Another 5 months to go. Yeah. Another 5 months to go. That's impressive. Yeah. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you. Far away from home. Thank you. Yeah. Which one is the old one? He's the old one. I couldn't see it. Ma'am. All the best. Thank you so much. We're done. Watch it. Welcome. तो ये जब हम यहाँ आए थे ना, कल बिल्कुल पानी नहीं था, सूखा हुआ था, और ये देखो आज पानी आ गया इसके अंदर. राइट अंकित, राइट. मुझे बार बार अपने आप को रिमाइंड दिलाना पड़ता है कि राइट लेना है, राइट लेना है. मज़ा आया लोगों से बात करके, इंटरेक्ट करके. काफ़ी देर बात करी. कोई प्लान नहीं था यहाँ रुकने का, दो तीन फोटोज लेनी थी, लेकिन हमें यहाँ शायद आधा घंटा लग चुका है. टाइम हो चुका है इस समय 11:30. हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है इस समय. कोई होटल बुक नहीं है, कुछ जगह पता नहीं है, कहाँ जाना है आज. बस पता है कि हम निकल रहे हैं, बस. दिस इज़ व्हाट वी कॉल एडवेंचर. जो होगा ऑन द गो देखा जाएगा. बाय बाय जगोरी, बाय बाय जगोरी. और पेट्रोल बहुत महंगा है, 200 रुपये, 180 190, 200 रुपये लीटर पड़ता है. इसलिए अभी थोड़ा पेट्रोल बचाओ अभियान चालू कर दिया हमने. टिक, न्यूट्रल चलती जाएगी बाइक, नीचे तक पहुंचा देगी. यूजुअली मैं ऐसे रिकमेंड करता नहीं, न्यूट्रल पे थोड़ा सा सेफ नहीं होता, क्योंकि आपकी इंजन ब्रेकिंग जो है इस समय नहीं है. इंजन बिल्कुल न्यूट्रल पे चल रहा है, इंजन ब्रेकिंग है ही नहीं. आपके पहाड़ों में वैसे इंजन ब्रेकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो गया पहाड़ों में इतना चला के, और पता है कितनी स्पीड पे रखनी है बाइक. चलो ढलान ख़त्म लग रहा है. ये कहाँ आ गए हम, बिल्कुल फ्लैट लैंड में आ गए हम. तो अभी तक बिल्कुल अच्छी खासे पहाड़ों पर चढ़ रहे थे, और एकदम से फ्लैट लैंड आ गई. मतलब सेंटर में हम आ चुके हैं, और चारों तरफ ये वैलीज है. ऐसा व्यू ना आपको कश्मीर में मिलता है, और बाकी ज़्यादा मैंने जितना ट्रैवल किया ना वैसा कहीं नहीं मिलता. हिमाचल नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा मैंने देखा नहीं है कि जैसे बीच में रोड चल रही है और आपको पूरे के पूरे 360 पहाड़ आपके आसपास हो. ये ऐसी वैली जो है अपनी कश्मीर में ज़्यादा है. तो मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ ना, कभी मुझे उत्तराखंड ज़्यादा कुछ लिखता है कि पतली सी रोड है, एकदम पहाड़ों के साथ चल रही, तो मैं वो बता देता हूँ. जब मुझे लगता है हिमाचल की तरह है, तो वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि पहाड़ तो सब एक जैसे ही हैं. कुछ बहुत यूनिक बनाया हुआ है तो वो तो फिर अपने पास है ही. कश्मीर या फिर स्विट्ज़रलैंड के या फिर नॉर्वे के पहाड़ मैंने बहुत सुने हैं, बहुत खूबसूरत है. उनके लैंडस्केप, उनका भी कहते हैं कोई कंपैरिजन नहीं है, इतने खूबसूरत लैंडस्केप्स हैं. नेक्स्ट ईयर कोई बात नहीं, अब तो मुझे सारे प्रोसेस पता है, कैसे प्रोसेस किया जाता है, वीज़ा अप्लाई कैसे किया जाता है, क्या सही तरीका होता है वीज़ा अप्लाई करने का, अब चीज़ें मुझे पता है. एंड अब तो मेरे पास शेंगेन वीज़ा भी एक बार मिल चुका है, तो मेरे पॉसिबिलिटीज़ अब थोड़ी सी ज़्यादा ही हैं कि मेरे को दोबारा वीज़ा जो है वो डिनाई नहीं कभी करेंगे, अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें प्रॉपरली उनको दिखाता हूँ, और जो मुझे पता है मुझे कैसे करना है. बारिश का सिलसिला जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है, तेज़ हो रही है. मुझे लग रहा है अभी मैंने वाइज़र बंद कर रखा है. रोड इतनी प्यारी है, और वो देखो सूरज की रोशनी कैसे पड़ रही है उस पहाड़ के ऊपर, और कितना खूबसूरत लग रहा है यार. कैमरा तो नहीं दिखा पाएगा, लेकिन ये भी मेरा ना वन ऑफ द फेवरेट थिंग है, जब रोड एक बहुत प्यारी चल रही होती है और एकदम जहाँ रोड ख़त्म हो रही होती है ना वहाँ पर ही पहाड़ दिखता है. अब तो चलो ये पहाड़ ऐसे आगे बीच का विजन ब्लॉक हो गया, जब दूर से दिख रहा था ऐसा लग रहा था बिल्कुल वो डेड एंड है, हमें वहीं तक जाना है, वो टी पॉइंट है. ये कैसे हुआ, मैप में तो कोई और रास्ता दिखा रहा था. रास्ता तो यही दिखा रहा मैप पे. ओहो, हम अल्बेनिया पहुंच भी गए एक घंटे में ही वहां से. लाइन में लगे, लाइन में लगते हैं फिर.
सारी जगह डॉक्यूमेंट ढूंढ ले हैं यार, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है सर के, और ये राइड मुझे लग रहा है होगी नहीं, कैंसिल हो जाएगी राइड। सारे डॉक्यूमेंट्स हर जगह चेक कर लिए हैं यार, इनकी ना आरसी है, ना इनके पास इंश्योरेंस है, ना कुछ है, इनके जितने भी कार्ड से सब गायब हैं। शिट यार, प्रॉब्लम हो गई। और अभी हम खड़े हैं बॉर्डर पे, जाएं कैसे आगे, सारे डॉक्यूमेंट्स ही गायब हो गए हैं। तो अभी हमें अल्बेनिया के बॉर्डर पे, और इतना सॉलिड हार्ट अटैक, ऑलमोस्ट ये राइड जो थी सर के लिए, या फिर मैं अपने लिए भी बोलूं, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली थी, खत्म, बिल्कुल डेड होने वाली थी। उसका मेन रीजन है हमारे सर पीछे बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी जो आरसी थी और अपने डॉक्यूमेंट्स थे जो हमें बॉर्डर पे दिखाने होते हैं, वो ऑलमोस्ट खो दिए, है ही नहीं। और उसके बिना आप रोड बॉर्डर जो है क्रॉस नहीं कर सकते। पिछले आधे पौने घंटे से सारा सामान खोल के कर दिया, होटलों में फ़ोन कर लिया कि किस होटल में तो नहीं रह गया, सर को बोल बोल के थक गया, सर दूसरे डॉक्यूमेंट्स दूसरे बैग में चेक करो, इधर चेक करो, उधर चेक करो, नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और इस समय दोनों के हाथ पैर फूल गए थे, क्योंकि ये राइड कैंसिल होने का मतलब एक ही कंट्री करा और वापस जाना, इतना एक्सपेंस, इतना खर्चा करने के बाद किसी की भी हालत खराब हो जाएगी यार। वापस भी नहीं जा सकते क्या? वापस भी नहीं जा सकते। क्यों? आपकी बाइक कैसे शिप होगी वापस? कैसे होगी मतलब? कैसे शिप होगी बिना आरसी के? तो ये देखो, आरसी तो थी नहीं, तो बाइक शिप भी कैसे होती है? तो मेरे दिमाग से भी निकल चुकी थी बात को। और फिर जब जिद कर रहा हूँ, सर दूसरे बैग में देखो, हो सकता है मॉर्निंग में आपने किसी और बैग में रख दिया होगा, नहीं है, नहीं है, नहीं है। एंड में फाइनली इस स्टॉप बॉक्स को खोला, जबकि बोल बोल के थक गया, स्टॉप बॉक्स को खोलो, कुछ ना कुछ निकलेगा। और फाइनली लैपटॉप बैग के अंदर जैसे ही खोला, ऊपर ऊपर सर के कार्ड्स पड़े रहे। तो ये माता रानी का आशीर्वाद है, महाकाल का आशीर्वाद है कि ये राइड जो है कैंसिल नहीं हुई है। ये एक्सपीरियंस होता है बहुत डेंजरस, और कोई हो ना हो, इसीलिए ही ना मैं अपना जो ये है ना सर, मुझे मना करते हैं कि थाई बैग रख, थाई बैग रख। मैं कहता हूँ छाती के साथ लगा के रखूँगा, इसके अंदर रखा हुआ है, दिन रात सुबह शाम कहीं जाता भी हूँ ना, कुछ भी खाने भी जाता हूँ, इसको लटका के जाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए इसको अपने से अलग नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर मेरी लाइफ लाइन है इस समय। अगर ये मेरे इधर उधर हो गया ना किसी बैग से, तो ये राइड ख़त्म हो जाएगी, डेड। तो भगवान का आशीर्वाद है, सब कुछ हो गया है, अल्बेनिया के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। हमने अल्बेनिया डाल दिया था मैप में, अल्बेनिया तो बहुत अंडर जाके हो गया ना, सेंटर सिटी उसने दिखा दिया, बॉर्डर पे डालना चाहिए था। हमारे माइंड से देखो इतना दिमाग काम नहीं कर रहा कि हमें बॉर्डर का नाम डालना चाहिए और सेंटर का नाम नहीं डालना चाहिए। हाथ पैर देखो, पूरा मुंह भी लाल हो चुका है अभी इनका, हाथ पैर इनके काम रहे थे, अब शायद थोड़े से रिलैक्स मोड में हैं। पानी वानी देता हूँ अभी इन्हें थोड़ा सा, ये हमारा पानी नहीं है, पानी देता हूँ अभी आपको, रिलैक्स करो। फाइनली पेपर्स हो गया, सारा काम हो गया। और पता है मैं बड़ी बात नहीं बोलूँगा, मेरे ना अंदर से ना, जब से मैं ज्योतिर्लिंग गया ना, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर, तब से ना मेरा ना महाकाल के ऊपर ना कुछ विश्वास ना अलग हो गया है। मैंने इसीलिए ये हाथ में पहन रखा है और रुद्राक्ष पहना हुआ है। और हमारे पास कुछ खाने के लिए था, वहाँ पर कुत्ते थे, इतना परेशानी में भी मेरे को दिमाग में आया कि यार महाकाल के, कहते हैं ना पसंदीदा दीदार जानवर जो हैं वो होते हैं कुत्ते, तो बस वो यार पड़ा था जो सामान खाने का, अंडे पड़े थे और कुछ पड़ा था ना, तो वो उनको डाला। और बस प्रार्थना करी यार ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं बस, अदरवाइज़ ये राइड कैंसिल हो जाएगी। एंड जैसे ही उनको दिया, विद इन टू मिनट्स पेपर्स मिल गए। ये मेरा बिलीफ है, यस। ओके माय फ्रेंड, बट आई रियली लाइक योर एक्सप्रेशंस, यू वर लाइक ओह मैन, थैंक यू। सपना जो पेपर वर्क है ग्रीस का, एग्जिट का, वो हो चुका है, और अब जो है हमारी एंट्री होगी अल्बेनिया में। ग्रीस का झंडा लगा है, तो अभी हम हैं ग्रीस में, वहाँ पर लगा हुआ है रेड कलर का फ्लैग, इसका मतलब वो है अल्बेनिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। मोस्ट प्रोबेबली वेलकम टू अल्बेनिया हो गया हमारा।
अल्बेनिया, हाँ ये गाड़ी अल्बेनिया की खड़ी है। यस सो अपनी कंट्री नंबर टू अल्बेनिया में हमारी एंट्री हो चुकी है। जय माता दी, हर हर महादेव। तो अभी बहुत ज़्यादा मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि हम आ चुके हैं ऐसा में अल्बेनिया में। ऑफिशियली हमारी थर्ड कंट्री है लेकिन हम इसे सेकंड कंट्री लेके चल रहे हैं क्योंकि अभी हमें टर्की जाना है दोबारा वापस। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पुलिस वाले सर हैं, उन्होंने हमें बड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद कैमरे से फोटोज भी खींचने की क्योंकि लोकेशन ऐसी है यहाँ पर अलाउड नहीं है। बट स्टिल अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी सर। प्राउड मोमेंट, यस, अपना तिरंगा फहराना दूसरे देश में, तो ये प्राउड मोमेंट होता है कि अपने देश का झंडा फहराना, वो भी दूसरे पराए मुल्क में बोलूं तो एग्जैक्ट वर्ड होगा। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि सर देख रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने हमें 15 मिनट दे दिए, 5 मिनट बोल के हमने 15 मिनट ले लिए इनके। मजा आ गया, दिल खुश हो गया। अभी जो हमारा एंट्री हुई ना, जो हमारा वेलकम हुआ बेसिकली अल्बेनिया में, आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग थी। और जब लोग मिलते हैं, लोग अपनी हमारी बाइक से साथ फ़ोटो खिंचाते हैं और मेरी बाइक के नंबर प्लेट के आगे IND लिखा हुआ है, तो इंडिया के ऊपर ऐसे उंगली रखी और कहा कि फ़ोटोज़ खींच दो, वीडियो बना दो, तो इतना अमेजिंग फीलिंग था ना। वो खुद ही कहते हैं फ़ोटो खींचो, मेरे दिमाग में भी नहीं था, मेरे को लगा ऊपर कहीं खड़े हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने नंबर प्लेट पे उंगली रखी कि इंडिया की बाइक है। फिर मैंने उनके लिए वीडियो बनाई, उनकी लाइफ टाइम मेमोरी के लिए, उनके फ़ोन लेके। तो मैं तो यही कर रहा हूँ, मैं अपने फ़ोन से बना रहा हूँ, नहीं बना रहा मेरे को याद नहीं रहता, लेकिन ये मेरे लिए एक्सपीरियंस है। मैं बहुत एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, लेकिन मैं ना दूसरों को भी एक्सपीरियंस दे के जा रहा हूँ यहाँ पर कि वो अपने फ़ोन में अब सबको देखेंगे और सबको दिखाएंगे कि इंडिया से दो बाइकर्स आए थे। मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा कि मैं ड्रीम चेजर के साथ फ़ोटो ज़्यादा प्रेफर करूँ कि ड्रीम चेजर के साथ करूँ, मैं प्रेफर कर रहा हूँ इंडिया के साथ हो, क्योंकि बहुत प्राउड फील होता है। मैंने बहुत लोगों को जब मैं वीडियोज़ देखता था ना यूट्यूब पे, तो वो जब तिरंगा फहराते थे या लोग उन्हें जब मिलते थे उनसे खुश होते थे, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता था उनके लिए भी और अपनी कंट्री के लिए भी कि यार ये कुछ अलग किया है इन्होंने। तो वो आज मैं सब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग। और ये शायद तब आप समझोगे ज़्यादा, मुझे पता है आपको भी बहुत प्राउड फील होता है ये देख के। ये फीलिंग मैंने फील करी हुई है जो अभी आप कर रहे हो दूसरों का वीडियोज़ देख के। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं जब आप लिखते हो प्राउड टू बी एन इंडियन, प्राउड ऑफ़ यू अंकित भाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप प्राउड टू बी इंडियन ऐसे जब ज़्यादा लिखते हो, तो मुझे बहुत फीलिंग अच्छी आती है क्योंकि यस वी आर प्राउड। और अभी अल्बेनिया में एंट्री हुई है तो देखो क्या अमेजिंग नज़ारे के साथ हुई है। जो हमें अभी लोकल मिले थे तो वो भी बता रहे थे कि रोड कंडीशन जो है ना थोड़ी सी, मतलब कंपेयर टू ग्रीस इतनी अच्छी नहीं है, सो मेक श्योर आप थोड़ी सी ध्यान से बाइक चलाना। तो वी आर लाइक ठीक है थोड़ा ध्यान से चलाएंगे, वैसे भी हम रैश नहीं चला रहे, ईजी चलाएंगे। अब हम अभी जस्ट हम अल्बेनिया में एंट्री ली है हमने जस्ट, और इसने हमें पहाड़ पे चढ़ा दिया, बिल्कुल पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। एक्चुअली क्या दो रास्ते जाते हैं, एक नीचे से जा रहा है मेन हाईवे से जो अंदर सिटी में से शायद लेके जाएगा हमें, और दूसरा रास्ता है थोड़ा सी व्यू के साथ। और हमने थोड़ा सा इंक्वायरी जब करी तो हमें ये पता लगा कि ये वाला रूट ज़्यादा सीनिक है, वो वाला तो प्लेन हाईवे ही चलेगा। सो हाईवे कौन लेगा भाई, थोड़ा लंबा भले हो जाए थोड़ा सीनिक व्यू, तो हमने ये वाला रूट ले लिया। अभी टाइम हो चुका है 2:40 हुए हैं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। 6:30 तक तो हम बहुत इजीली राइड करके कोई ना कोई होटल बुक कर सकते हैं। अभी तक हमने पूरी राइड में यही किया था कि हम होटल बुक किया करते थे, लेकिन सर को फिर मैंने बोला सर मत किया करो यार होटल बुक, वो ना फिर प्रेशर बन जाता है कि आपको ना इतने बजे तक यहाँ पहुँचना यार। रात को 9-9 भी हम होटल पहुँच रहे हैं, एथेंस में यही हुआ था, 8:30 पहुँचे, थक के टूट गए थे उस दिन। उसके बाद सर को बोला सर बुकिंग यार ऑन द स्पॉट करेंगे, महंगी मिलेगी सस्ती मिलेगी देखा जाएगा, लेकिन ऑन द स्पॉट करने में ना हमें सस्ता मिल रहा है। ऑनलाइन दिखाता है 40 यूरो, तो ऑफलाइन हम उसको बार्गेन करके डिस्काउंट लेके 30 यूरो में कर लेते हैं। वाओ,
तो फायदा भी हो जाता है और कहीं पर भी रुक सकते हैं हम। फिर सर इस बात को एग्री कर गए, यार ठीक है। सही टाइम पे हमें वो बंदा मिल गया था, सही बता रहा हूँ। जब हम एंट्री कर रहे थे ना, मैंने व्लॉग में नहीं लिया क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार, किसी बंदे से भी बात कर रहे हो ना आप तो उनके एकदम कैमरा मुंह पे लगा दो। तो कई चीज़ें मैं सोच समझ के चलता हूँ क्योंकि ये इंडिया नहीं है ना। इंडिया में तो चलो हम पता है कि बंदा कैसा है, शूट कर सकता हूँ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर कोई बात कर रहा है एकदम उससे कैमरा लगा दो। बट एनीवेज बात ये कर रहा था मैं कि वो बंदा मिला था और उसने हमें बोला कि आप ब्रॉश से लेते हुए और फिर जाना व्लोर। थैंक गॉड वो बंदा हमें बहुत टाइम पे मिल गया, नहीं तो हम तो व्लोर चले जाते और वो हाईवे वाले रूट से जाते। तो ये रूट बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। रोड देखो इतनी प्यारी है, मैं तो छोड़ रखा है एक्सेलरेशन 67 60 69 70, एक्सेलरेशन थोड़ी दे रहा हूँ मैं, बस ब्रेक मारनी पड़ रही है। चले जा रही है बाइक, चले जा रही है। बट हेलो कार्ड कार्ड पेमेंट नो कैश यूरो यूरो यस हाउ मच यूरो फॉर पर लीटर यूरो पर लीटर टू यूरोस नॉट 200 टू यूरोस पर टू यूरोस हाँ तो उसमें भी तो यही था। अभी घर से चले मेरे को लगभग हो चुके हैं 12-13 दिन हो चुके हैं एंड आई स्टार्टेड मिसिंग मोमोज, चिल्ली पटैटो, स्प्रिंग रोल, पराठे। भाई कुछ तो दिख जाए, कुछ तो खिला दो, सुबह तो कुछ नहीं खाया मेरे ब्रेकफास्ट के अलावा। पता नहीं यार क्या कैसे खाऊंगा क्या करूंगा, समझ से बाहर है मेरे। सब तो नॉन वेज मिलता है यहाँ पर, कितने पता 2 घंटे से ढूँढ रहा हूँ, कुछ 2 घंटे से भी ज़्यादा से कि कुछ मिल जाए खाने के लिए। अगर मैं कमज़ोर हो गया ना फिर देख लेना आप, अब रीज़न समझ लो। ये नहीं है कि मैं खाना दिखा नहीं रहा कि क्या खाता हूँ क्या नहीं खाता, अरे खाऊँ क्या, कुछ तो मिलेगी ये खा ले भाई। सुबह ब्रेकफास्ट किया हुआ है खाली। निकालो सर ब्रेड एंड वही निकालो, ब्रेड मक्खन निकाल दो, जो मर जाऊँगा मैं तो। कितना रिकॉर्ड करूं कितना रिकॉर्ड ना करूं मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक से एक ब्यूटीफुल व्यूज़ आ रहे हैं, एक से एक ब्यूटीफुल व्यूज़ आ रहे हैं। रोड इतनी प्यारी है, कहीं भी मुड़ जाओ कहीं ना कहीं पूरी वैली दिखती है, कहीं ना कहीं आप सीधा एकदम टक्कर पे आपको बिल्कुल बड़ा सा पहाड़ दिखेगा। गजब ही है यार, गजब है बिल्कुल। ओहो सुबह सब हम पहुंचने वाले हैं व्लोर सिटी। ये देखो ये व्यू पॉइंट है, यहाँ से इतना सुंदर लग रहा है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है।
टाइम का मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे दोनों फ़ोनों में अलग अलग टाइम दिखा रहा है, मेरे इसमें 7 बजे दिखा रहा है, इसमें भी 7 दिखा रहा है, मेरे दूसरे आईफोन के अंदर वो शायद 5:30 या 6:45 दिखा रहा है। मेरे को टाइम का समझ ही नहीं आ रहा, टाइम चेंज दोनों फ़ोनों में कैसे हो रहा है और कौन सा टाइम सही है पता नहीं। नाइस, वेरी नाइस। यूरोप में बड़े बड़े कमरे मिलते नहीं हैं इसलिए बोल रहा हूँ नाइस, छोटे छोटे चुई से कमरे होते हैं। बाकी आपका भाई अल्बेनिया में पहुँच गया। तो सबसे पहले आपको टाइम बता दूं, इस समय हो रहे हैं 9:45 बज रहे हैं। हम लगभग 7:45 अपने रूम में पहुंच गए थे पर रूम में बैठने का फ़ायदा नहीं था। हम जब आए थे ना तो हमें बहुत प्यारी ये मार्केट दिखी थी, रास्ते में ही दिख गई थी, तो हमने सोचा इट्स बेटर कि अपना फटाफट से चेंज करते हैं और निकलते हैं थोड़ा बहुत मार्केट को देखने के लिए। कोई फ़ायदा नहीं है इतनी दूर आगे भी अगर रूम में बैठा हूं तो क्या फ़ायदा, इसके लिए थोड़ा बहुत मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने खाना वाना कुछ भी नहीं खाया है, आपको पता दोपहर को भी मैंने प्रॉपर अपनी मील नहीं ली है, तो अभी देखते हैं यहाँ पर अगर हमें कुछ यहाँ पर डिनर का अरेंजमेंट हो जाए। बट जो भी बोलो बहुत खूबसूरत शहर है यार, बहुत। अभी रात के बज रहे हैं लगभग 8:45 हो रहे हैं ना, और 8:45 भी यहाँ पर अच्छा खासा क्राउड है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर ना ग्रीस जैसा नहीं है, यहाँ पर छोटी छोटी मार्केट है और यहाँ पर जैसे वेजिटेबल्स है फ्रूट्स है ना, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर ग्रीस में ऐसा नहीं था चलते फिरते आपको जैसे जो वेजिटेबल्स की शॉप है यहाँ पर चलते फिरते छोटी मोटी शॉप्स मिल जाए, पर यहाँ पर अलग है। यहाँ पर जैसे पानी की बोतल भी खरीदनी है तो बहुत जगह जगह पर ऐसे शॉप्स हैं जहाँ पर आप ये चीज़ें परचेज कर सकते हो। बाकी पानी जहाँ भी जाता हूँ तो परचेज करनी पड़ती है 50 सेंट, और कोई बात नहीं पानी पिए बिना तो रहा नहीं जा सकता, बट बहुत अच्छा मार्केट लगा मुझे। तो आज का ना अपना डिनर आ चुका है, और सच बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं है ये क्या चीज़ है, इन्होंने रोटी में डाल के मुझे फ्राइज दिए हैं, टोमेटोज दिए हैं और पता नहीं क्या क्या डाल, कुकुम्बर भी कह रहे थे डाला इन्होंने, और ये इसलिए मुझे नहीं पता क्या है क्योंकि और इनके पास ना वेजिटेरियन में कुछ भी नहीं था। तो ये हमें एक यहाँ पर ऐसी एक शॉप मिली है, बाकी जितने भी शॉप थी ना सबके पास नॉन वेजिटेरियन है। तो इसका प्राइस जो मैंने पे करा है यहाँ के हिसाब से है 200 लिक, जो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो वो यूरोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये मुझे यहाँ पर पड़ा है 2 यूरोज का। देखने में तो यम लग रहा मुझे, आई विश अच्छा हो, क्योंकि रिस्क ले लिया है क्योंकि भूख बहुत लगी थी और नॉन वेज के अलावा कुछ यहाँ पर मिल नहीं रहा। तो ये टेस्ट करके देख रहा हूँ, पहले डर रहा था पता नहीं क्या रोटी है, क्या दे रहे हैं, फ्राइज डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं पता नहीं रहा, बस बोला था वेज चाहिए कुछ भी दे दो, वर्थ वर्थ वर्थ। अगर ऐसा मुझे खाना दिन भर मिलता रहे ना, दोपहर को भी रात को भी, तो ये राइड बहुत अच्छी जाने वाली है। इसको फिनिश करता हूँ बस। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या करूँ यार, रोज रात को भूल जाता हूँ आपको गुड नाइट करना, क्योंकि जैसे रूम पे आता हूँ ना इतना हेक्टिक हो जाता है, इतना टायरिंग हो जाता है, और डिनर का अरेंजमेंट करना होता है, एक्सप्लोर करने जाना होता है, वीडियो एडिट करना होता है, वीडियो रेंडर करना होता है, तो वो सारों में ना गुड नाइट करना आप लोगों को भूल जाता है। एनीवेज जैसा आपको बताइए कि हम लोग वेलोर में पहुंच चुके थे और ये हमें बहुत अच्छा एक डिसेंट सा रूम मिल गया था, इनफैक्ट डिसेंट तो नहीं बहुत अच्छी हमें प्रॉपर्टी मिल गई थी, और इसके खाली हमने आज जो चार्जेस पे करे ना इतना चीप प्राइस में मिल गया था, यहाँ पर खाली हमने 20 यूरोज पे करे इस प्रॉपर्टी के लिए, खाली 20 यूरोज, मतलब 1900 रुपये में हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था, अनबिलीवेबल प्राइस। पार्किंग इतनी अच्छी है, यहाँ पर बाइक्स पीछे सेफ पार्क खड़ी है, और बाकी की जितनी भी बातें होंगी ना वो ऑब्वियसली फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में करता हूँ। सच बताऊँ तो अल्बेनिया व्लोर ने ना टोटली मुझे सरप्राइज कर दिया, और आई विश आई होप जितना मैं अभी सरप्राइज हूँ ना और ज़्यादा सरप्राइज होता रहूँ जैसे जैसे मैं अल्बेनिया को एक्सप्लोर करूँगा। विद दैट सेड, अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। किसी भी रीज़न से अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन राइट हार्ड राइट सेफ, दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ।